इलस्ट्रेशन नंबर वन में बेसिकली हमने एक सिंपल केस डिस्कस किया जहां पे सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही थी. अब हम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सप्लाईज को डिस्कस करना शुरू करते हैं. नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर टू. अब इलस्ट्रेशन नंबर टू में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में मिस्टर सी का एग्जाम्पल था पिछली फिगर में, मिस्टर सी को ही सिर्फ कंसिडर करते हैं. अभी तक यहां पर मिस्टर ए बी सी डी चारों के केस में हमने सिर्फ वैट कंसिडर किया था. अब वैट के अलावा हम क्या डिस्कस करेंगे अगर सेंट्रल टैक्सेस भी डाल दिए जाए, और प्रैक्टिकली सेंट्रल टैक्सेस भी होंगे क्योंकि हर पर्सन जब मैन्युफैक्चरर होता है तो वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे कर रहा है, साथ साथ अगर कोई वो सर्विसेज ले रहा है या सर्विसेज दे रहा है उस पर वो सर्विस टैक्स भी पे कर रहा है, और तीसरी चीज अगर वो इस केस के अंदर सेल कर रहा है तो वैट भी है. तो अभी तक मैंने सिर्फ वैट का कंसिडरेशन लिया था. अब अगला केस लेंगे, ऑल दी ट्रांजेक्शन आर इंट्रा स्टेट बट देर आर सेंट्रल टैक्सेस ऑफ एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एज वेल. तो पूरा फिर से चेन बनाने से अच्छा हम सिर्फ मिस्टर सी की बात कर लेते हैं इसके अंदर. सो इलस्ट्रेशन नंबर टू, इसकी हेडिंग डाल सकते हैं हाउ सिस्टम वर्क्स, हाउ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन वर्क्स इफ सेंट्रल टैक्सेस आर ऑल्सो कंसिडर्ड. सेंट्रल टैक्सेस आर ऑल्सो कंसिडर्ड. सेंट्रल टैक्सेस का मतलब क्या हो गया, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, विच इज एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स. अभी तक हमने जीएसटी की बातें स्टार्ट नहीं करी है. तो मिस्टर सी की इंफॉर्मेशन क्या थी, 20,000 rupees, 5,000 and 3,000. सो फ्लोर इज फॉर 20,000 rupees, देन शुगर इज फॉर 5,000 rupees, ऑयल्स आर फॉर 3,000 rupees, देन एक्सपेंसेस वर 4,000, एक्सपेंसेस वर 4,000, प्रॉफिट वॉज 25, 28, 32, 3,000. अल्टीमेटली सेल प्राइस ऑफ बिस्किट्स कितना था, 35,000. अभी तक हमने इसमें सिर्फ क्या कंसिडर किया था, वैट. वैट को हमने अज्यूम किया था 10% पे, ये हमारे गुड्स हैं तो इसके ऊपर वैट पे किया था, इस पे भी 500 rupees का वैट पे किया था. दीज थ्री वर बेसिकली आर इनपुट टैक्सेस जिनका हमें आईटीसी मिल गया था. एक्सपेंसेस के ऊपर वैट नहीं आया था, प्रॉफिट पे नहीं आया था, बिकॉज दे आर नॉट पर्टेनिंग टू एनी गुड्स. और लास्ट में हमारा आउटपुट टैक्स कितना आया था, 35,000 पे 3,500. अब जब सेंट्रल टैक्सेस को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा, लेट अस एज्यूम एक्साइज ड्यूटी का रेट 5% है. Although रेट 5% एक्साइज ड्यूटी का नहीं था, 12 था, बट फॉर द सेक ऑफ सिंपल कैलकुलेशन मैं 5% एज्यूम कर रहा हूं. सो जब मैंने आटा खरीदा, किससे खरीदा, मिस्टर बी से खरीदा था, डिड ही मैन्युफैक्चर फ्लोर, यस ही मैन्युफैक्चर्ड फ्लोर. मिस्टर बी ने जब मैन्युफैक्चर किया होगा, क्या उनकी एक्साइज लाइबिलिटी आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी, जिस वजह से अब जो मिस्टर बी 20,000 का सेल करेंगे, 2,000 rupees विल बी वैट एंड 1,000 rupees विल बी दी एक्साइज ड्यूटी. He will be charging both the taxes. Excise duty he will be paying it to the central government and this 2,000 rupees of VAT he will be paying to the state government. At the same time, do alag alag government se interact kar rahe ho aap. Similarly, jab maine Mr. R se sugar kharidi, 500 rupees ka maine state government ko VAT pay kiya aur central government ko maine kya pay kiya? Central government ko maine pay kari 250 rupees ki excise duty. Kyunki kya maine sugar ko manufacture kiya? I am assuming Mr. R kon hai? Manufacturer hi hai. Oils भी I'm assuming Mr. S कौन है, manufacturer है. जब वो manufacturer है तो VAT के अलावा क्या वो excise भी pay करेगा, बिल्कुल pay करेगा, excise duty भी 150 rupees आ जाएगी हमारे यहाँ पे, right? अब ये वाली तीन चीजें तो आ गई हमारी. अब अगली चीज देखो, expenses में अभी तक VAT क्यों नहीं लगा रहा था, क्योंकि मैं assume कर रहा था इस सारे expenses के अंदर क्या है, services ही है. अब जब सर्विसेज हैं तो वैट तो नहीं आएगा, एक्साइज भी नहीं आएगा, और तीसरा टैक्स कौन सा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो लगाती है, सर्विस टैक्स. अगेन फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं मान के क्या चल रहा हूं, सर्विस टैक्स 5% है. ऑल्दो सर्विस टैक्स का रेट 15% था, बट मैं इस एग्जाम्पल में 5% मान के चल रहा हूं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. 5% इसका कितना हो गया, 200 rupees इसका सर्विस टैक्स हो गया. प्रॉफिट के ऊपर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट मेरा खुद का है, मैंने किसी से खरीदा हुआ प्रॉफिट. देयर इज नो परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हाइल आई एम एडिंग माय प्रॉफिट मार्जिन. तो ये मेरे हो गए सारे इनपुट्स,
मैंने मटेरियल खरीदा तो वैट और एक्साइज लगा क्योंकि मैंने मैन्युफैक्चरर से खरीदा, मैंने सर्विसेज प्रोक्योर करी तो उस पर सर्विस टैक्स किया, सर्विस टैक्स किसने पे किया होगा, जिस भी पर्सन से मैंने सर्विस टैक्स ली, मैंने ऑडिट की सर्विस ली, मैंने सिक्योरिटी की सर्विस ली, मैंने हाउसकीपिंग सर्विस ली, मैंने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली, ये सारी इसके अंदर आ गई और इस पर हर किसी ने क्या चार्ज किया होगा, सर्विस टैक्स चार्ज किया होगा। अब जरा ऐड करते हैं, जब मैंने 35,000 रुपीस के बिस्किट्स बनाए और उनको सेल किया, वैट कितना लगा 3500, क्या मेरे पे एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी? बिल्कुल लगेगी, क्योंकि मैंने क्या किया, कौन सा टैक्सेबल इवेंट किया है मैंने, मैन्युफैक्चर मैंने जब किया है तो मेरे पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी, विच इज 1750% के हिसाब से। अब क्या सर्विस टैक्स लगेगा? नहीं, क्यों? सर्विस टैक्स लगता है प्रोविजन ऑफ सर्विस पर, और मैंने क्या किया है, मैंने गुड्स बनाए हैं तो मेरे गुड्स बनाने पे क्या लगेगा, एक्साइज ड्यूटी। अब दिस इज द सिचुएशन, सेम एग्जांपल, द ओनली डिफरेंस इज अब वैट के अलावा अगली चीज क्या आ गई है, एक्साइज ड्यूटी। आप ध्यान से देखो, एक मैन्युफैक्चरर को सेम गुड्स के ऊपर दो अलग अलग टैक्सेस पे करने पड़ते थे, एक सेंट्रल को एक स्टेट को, बट यहां ओवरलैपिंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये लग रहा है मैन्युफैक्चर पे और ये लग रहा है सेल पे, और अगर आप मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हो तो दोनों टैक्सेस एक साथ आ रहे हैं आपके, राइट। अब क्वेश्चन ये है, ये तीन क्या चीजें हैं मेरी, दीज आर कॉल्ड इनपुट टैक्सेस, बिल्कुल सही। ये क्या है मेरा, आउटपुट टैक्स। अभी पिछले एग्जांपल में हमने किया था, आउटपुट वैट कितना है मेरा, आउटपुट वैट इज 3500 और लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट, कितना लेस किया था मैंने, विच वॉज 2800। अल्टीमेटली मैंने गवर्नमेंट को पे कितना किया था, अमाउंट पेड टू, अच्छा गवर्नमेंट भी कौन सी, वैट मैं जब बोल रहा हूं, ऑल दी ट्रांजेक्शन आ रहे हैं हरियाणा, तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, कितना पैसे, 800 रुपीज। ये चीज हम ऑलरेडी पिछली इलस्ट्रेशन में कर लिया है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, मुझे 1750 भी पे करना है, क्या मैं इस आउटपुट टैक्स और इस आउटपुट टैक्स दोनों को एक साथ एड कर दूं और ये सारा का सारा इनपुट टैक्स लेस कर दूं, या फिर ये टोटली अलग चलेगा और ये टोटली अलग चलेगा, क्या लगता है? ऑप्शन नंबर वन में क्या दे रहा हूं, 3500 और 1750 दोनों मेरे आउटपुट टैक्स हैं, दोनों को ऐड कर देता हूं, आउटपुट टैक्स एक साथ ऐड करके लिख देता हूं। इनपुट टैक्सेस में भी ये सारे भी मेरे इनपुट टैक्सेस हैं क्योंकि मैंने किसी को वैट पे किया है, ये भी मेरे लिए क्या है, इनपुट टैक्सेस है क्योंकि मैंने किसी को एक्साइज ड्यूटी पे करी है ऑन माय प्रोक्योरमेंट, और ये मैंने सर्विस टैक्स पे किया है। सो अब मैं क्या दोनों को अलग अलग रखूं या दोनों को क्लब कर दूं? क्लब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, रीजन बताओ जल्दी से मुझे, आंसर बिल्कुल सही दिया, क्लब इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये पैसा किसका है, ये सारे टैक्सेस हैं स्टेट गवर्नमेंट के और ये टैक्सेस किसके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे से टैक्स अलग मांग रही है ऑन दी मैन्युफैक्चर एंड स्टेट गवर्नमेंट मेरे से टैक्सेस अलग मांग रही है ऑन दी सेल, वो अलग बात है, मेरे सेम गुड्स मैन्युफैक्चर होकर सेल हो रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों टैक्सेस मेरे से जा रहे हैं, बट ये दोनों टैक्सेस अलग हैं, दोनों अलग अलग गवर्नमेंट को जा रहे हैं। सो मुझे क्या करना पड़ता था, मुझे दो अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ते थे, एक था मेरा वैट की कंप्यूटेशन चल रही है, एक तरफ मेरी एक्साइज की कंप्यूटेशन चल रही है। वैट की कंप्यूटेशन मैं कर रहा हूं स्टेट गवर्नमेंट के लिए, एक्साइज में मैं क्या बोलूंगा, आउटपुट एक्साइज, यहां पर आउटपुट वैट की जगह क्या आ जाएगा, आउटपुट एक्साइज। आउटपुट एक्साइज मेरा कितना है, इट इज 1750, और ये जो टैक्सेस हैं ये मेरे लिए क्या हो जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के 1250, टोटल कितना हो गया 1400, क्या मेरा इनपुट टैक्स हो जाएगा, बिल्कुल सही। अच्छा अब सवाल ये आता है, आउटपुट में क्या है मेरे, एक्साइज, इनपुट में मेरे क्या क्या था, वैट था, क्या वैट का क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, क्या वैट का क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि ये वैट किसके पास गया था पिछली स्टेज पे, ये जो मिस्टर बी है, मिस्टर आर है, मिस्टर एस है, इन्होंने ये वैट किसको पे किया होगा, हरियाणा गवर्नमेंट को। अकॉर्डिंगली इन तीन टैक्सेस का क्रेडिट मैं किससे मांगूंगा, हरियाणा गवर्नमेंट से, दैट इज वाई मैंने 2800 को लेस किससे किया, 3500 से, क्योंकि ये सारे टैक्सेस किसके हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, हरियाणा गवर्नमेंट के। अब मैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ कौन से टैक्सेस की बात करूंगा, ये वाले टैक्सेस के, क्योंकि ये मेरे वो इनपुट टैक्सेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए। याद रखना, कोई भी गवर्नमेंट उन्हीं टैक्सेस का क्रेडिट देती है जो पिछली स्टेज पे उसी को मिले हो। पिछले एग्जांपल में हमने देखा हरियाणा गवर्नमेंट ने हर बार हमें क्रेडिट क्यों देते गए, क्योंकि पिछली स्टेज पे उनको टैक्सेस मिल रहे थे और कलेक्टिवली उनको 4000 रुपीज आ गए हरियाणा गवर्नमेंट को। बट यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट वैट का क्रेडिट इसलिए नहीं दे रही क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है ये टैक्सेस मुझे मिले ही नहीं,
ये तो पिछली स्टेज में मिस्टर बी और मिस्टर आर और मिस्टर एस ने किसको पे किए होंगे, स्टेट गवर्नमेंट को, तो जाओ इनका टैक्सेस का क्रेडिट किससे मांगो, हरियाणा से। सिमिलरली उल्टा बोलूं, क्या इन एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट हरियाणा गवर्नमेंट दे देगी, अगेन बिल्कुल नहीं देगी, सेम लॉजिक, बिकॉज ये टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट को गए, हरियाणा गवर्नमेंट इनका क्रेडिट नहीं देगी। सो हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल याद रखना है, एवरी गवर्नमेंट गिव्स क्रेडिट ऑफ ओनली दोज इनपुट टैक्सेस विच वर पेड टू दैट सेम गवर्नमेंट एट द अर्लियर स्टेज। हरियाणा गवर्नमेंट इज गिविंग क्रेडिट ऑफ वैट बिकॉज दिस वैट वॉज पेड टू हरियाणा गवर्नमेंट ओनली। नाउ द क्वेश्चन इज, फंडामेंटल रूल आपने ध्यान से सुना, अब मुझे बड़े ध्यान से आंसर देना, ये आउटपुट एक्साइज आ गई मेरी 1750, इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरा ये तो नहीं आएगा, राइट? 1250 1400 आएगा या 1600 आएगा? 1400 क्या है? एक्साइज, इनपुट वाला एक्साइज। 200 क्या है? इनपुट वाला सर्विस टैक्स। क्या मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ मेरी आउटपुट एक्साइज ड्यूटी से इनपुट एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट देगी या इनपुट एक्साइज के अलावा इनपुट सर्विस टैक्स का भी देगी? फर्क क्या दोनों में? एक्साइज ड्यूटी लगती है गुड्स पे और सर्विस टैक्स किस पे लगता है? सर्विसेज पे। बट क्या ये दोनों के दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहे हैं? यस। और मैंने अभी अभी फंडामेंटल रूल बताया, हर गवर्नमेंट उसी चीज का क्रेडिट देती है जिन चीजों को जिसकी पिछली स्टेज पे उसने खुद कलेक्ट किया हो। तो क्या मुझे यहां पर इनपुट टैक्सेस के नाम पर 1600 का क्रेडिट मिल जाएगा? यस। मुझे इनपुट एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट भी मिल जाएगा, मुझे इनपुट सर्विस टैक्स का क्रेडिट भी मिल जाएगा। सो मेरी नेट टैक्स टू बी पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट कितना आया? नेट टैक्स टू बी पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट इज 150 रुपीज। बात समझ में आई? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन आउटपुट एक्साइज ड्यूटी से इनपुट एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट भी दे देती थी और इनपुट सर्विस टैक्स का भी। इस क्रेडिट को कलेक्टिवली हम बोलते थे सेन वैट क्रेडिट। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, जैसे मैंने यहां पर इनपुट टैक्सेस को लेस करने को बोला इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे हम प्यार से बोलते थे आईटीसी, सेम कॉन्सेप्ट को सेंट्रल टैक्सेस के नाम में क्या बोलते थे? सेन वैट क्रेडिट। सो व्हेनेवर वी यूज्ड टू से सेन वैट क्रेडिट, वी वर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द इनपुट एक्साइज ड्यूटी एंड इनपुट सर्विस टैक्स which is given by central government. And whenever we use the word ITC, input tax credit, we are talking about the credit of input VAT, input VAT, which is paid to the state government. The concept remains the exactly the same. Concept is exactly the same. Input taxes paid at the time of purchase, at the time of procurement, are deducted from the output tax at the time of sale. अच्छा, उल्टा हो जाए, मान लो मेरी यहाँ पर तो output tax के अंदर एक्साइज की लाइबिलिटी थी, मुझे एक्साइज का क्रेडिट भी मिल गया, मुझे सर्विस टैक्स का भी मिल गया, राइट? मैं इसका उल्टा कर दूं, बाय चांस मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा? अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा? सर्विस टैक्स आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सीए, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं सर्विस दे रहा हूं आप सबको, और जब मैंने आपको सर्विस दी तो मैं आपसे क्या चार्ज करूंगा? सर्विस टैक्स। सो माय आउटपुट टैक्स विल बी सर्विस टैक्स। अच्छा, पीछे से मैं कुछ गुड्स भी खरीद रहा हूं, लैपटॉप वगैरह, डायरेक्टली एचपी से, जिसपे एचपी ने एक्साइज ड्यूटी चार्ज करी। सिमिलरली मैंने कुछ सर्विसेज भी ली, वोडाफोन से सर्विस ली मैंने और हाउसकीपिंग की सर्विस ली, सिक्योरिटी की सर्विस ली, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरे को पीछे वाली साइड से एक्साइज भी लग रहा है, सर्विस टैक्स भी लग रहा है। आगे मैं क्या पे कर रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ सर्विस टैक्स। क्या मुझे एक्साइज और सर्विस टैक्स दोनों का क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी? यस, दे देगी। इसे बोलते हैं क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, यानी सेक्टर, गुड्स और सर्विस सेक्टर आपस में एक दूसरे का क्रेडिट दे देते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में, क्योंकि एक्साइज भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, सर्विस टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो देयर कैन बी टू सिनेरियोस, व्हेन यू हैव अ आउटपुट एक्साइज ड्यूटी एंड यू कैन एडजस्ट योर एक्साइज एज वेल एज इनपुट सर्विस टैक्स, व्हिच कलेक्टिवली इज नोन एज सेनवेट क्रेडिट। सिमिलरली देयर कैन बी अ केस व्हेन यू हैव अ आउटपुट सर्विस टैक्स लाइबिलिटी एंड यू कैन एडजस्ट योर इनपुट एक्साइज ड्यूटी एंड इनपुट सर्विस टैक्स अगेंस्ट दिस सेनवेट क्रेडिट। सो नेट रिजल्ट ये हुआ, आपको हरियाणा गवर्नमेंट को 800 रुपए देने हैं, आपने हरियाणा गवर्नमेंट से आईटीसी कितना क्लेम किया? 2800। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को 150 देने हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से आपने टैक्स कितना क्लेम किया? 1600। आपको एट द सेम टाइम सेंटर और स्टेट के लिए टैक्सेस की कंप्यूटेशन अलग करनी होती थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट टैक्सेस का क्रेडिट नहीं देती थी, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल टैक्सेस का क्रेडिट नहीं देती थी। लॉजिकल है बिल्कुल। अच्छा, मुझे इस सारी कहानी के बाद बताओ, क्या मैन्युफैक्चरर को कोई नुकसान हो रहा है?
अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल टैक्सेस का क्रेडिट नहीं देती और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट टैक्सेस का क्रेडिट नहीं देती, सिर्फ अपने सेनमेंट क्रेडिट का देती है, तो क्या मुझे कोई नुकसान हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। इस एग्जाम्पल में बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इस एग्जाम्पल में पूरा का पूरा 2800 स्टेट गवर्नमेंट ने क्रेडिट दे दिया और पूरा का पूरा 1600 का सेनमेंट क्रेडिट किसने दे दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट में। क्या एक रुपए का भी नुकसान हुआ मुझे? सारा का सारा जो इनपुट टैक्स पे था वो मुझे क्रेडिट मिल गया। बट क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक एक करके, तीन लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले मुझे बताओ, इस वाले केस में तो मैं कौन था? मैन्युफैक्चरर था। एक मिनट के लिए मैं मैन्युफैक्चरर की जगह बन जाता हूं ट्रेडर। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर में क्या फर्क होता है भाई? मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर में क्या फर्क होता है? ट्रेडर मैन्युफैक्चर नहीं करता, और ट्रेडर मैन्युफैक्चर नहीं करता तो जब वो गुड्स आगे आउटपुट की तरफ लेके जाता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या पे करना पड़ता है? वैट। आई एम एज्यूमिंग इंट्रा स्टेट हो रहा है, अभी सीएसटी की बात नहीं करनी, आई एम एज्यूमिंग सिर्फ इंट्रा स्टेट हो रहा है वैट। क्या उसको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है? द आंसर इज नो, फॉर द सिंपल रीजन एक्साइज इज लेविड ऑन मैन्युफैक्चर एंड अ ट्रेडर नेवर मैन्युफैक्चर्स, राइट। अब पीछे से वो गुड्स खरीद रहा होगा, जब वो गुड्स खरीद रहा होगा उसके ऊपर दो टैक्सेस लग के आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी एक्साइज मैन्युफैक्चर के ऊपर और स्टेट गवर्नमेंट क्या लगाएगी? वैट। आई एम एज्यूमिंग मैंने परचेज किससे किया? मैन्युफैक्चरर से परचेज किया। पीछे से आएगी एक्साइज ड्यूटी और साथ साथ क्या लगेगा? वैट, ठीक है जी, एज्यूमिंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। सर्विसेज के ऊपर क्या लग के आएगा? सर्विसेज के ऊपर लग के आएगा सर्विस टैक्स। अब मुझे एक एक करके बताओ, आप आउटपुट में वैट पे कर रहे हो किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। क्या वो आपको एक्साइज का ग्रेड देगी? नहीं देगी। क्या आपको वैट का ग्रेड मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि पुरानी स्टेज पे ये वैट किसको गया होगा? हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट को गया होगा। क्या सर्विस टैक्स का ग्रेड मिलेगा? नहीं मिलेगा, हरियाणा गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं देगी। अच्छा, अब हम हरियाणा से गया, हरियाणा ने नहीं दिया तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला चलो एक्साइज तुम्हारा है, सर्विस टैक्स तुम्हारा है, इसका क्रेडिट दे दो चुपचाप। उसने बोला मैं तुम्हें एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स का सेनवेट क्रेडिट दे देता अगर तुम्हारी आउटपुट में कोई ना कोई ऐसी लायबिलिटी होती जो तुम मुझे पे करने वाले हो, बट तुम तो यहां पर ना एक्साइज पे करने वाले हो क्योंकि तुम ट्रेडर हो, और ना तुम सर्विस टैक्स पे करने वाले हो क्योंकि तुमने कोई सर्विसेज नहीं दी, और जब तुमने कोई सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी तो आपकी आउटपुट में ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं है विच इज पेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अकॉर्डिंगली क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसका क्रेडिट देती? नहीं। स्टेट गवर्नमेंट ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि पुरानी स्टेज पे इसको ये टैक्सेस नहीं मिले, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप एक्साइज और सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं हो, आपको तो एक्साइज और सर्विस टैक्स पे करना ही नहीं है। सो क्या ट्रेडर के लिए सारा का सारा एक्साइज ड्यूटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लॉस हो जाएगा? यस। क्या सारा का सारा सर्विस टैक्स का क्रेडिट लॉस हो जाएगा? यस, क्योंकि अगर उसने सर्विसेज ली 1000 रुपीज की, उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगा 150 का, तो अब उसको 1150 रुपीज की कॉस्ट पड़ेगी, ना कि 1000 की। इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? कभी भी किसी चीज का क्रेडिट अगर आपको डिनाई हो जाता है, कभी भी किसी चीज का क्रेडिट आपको अगर डिनाई हो जाता है तो क्या होता है? सोच के देखो, अभी मैंने 1000 रुपीज में 150 रुपीज 1150 अगर मैं आपको इस चीज का क्रेडिट दे देता, 150 रुपीज का क्रेडिट दे देता, तो फ्यूचर में क्या ये 150 रुपीज आपकी आउटपुट टैक्स क्रेडिट लाइबिलिटी से लेस होता? अगर मैं दे देता, अगर दे देता तो ये फ्यूचर में मेरे को कोई ना कोई बेनिफिट देता है। क्या मैं इसको एक्सपेंस बनाता या करंट एसेट बनाता? करंट एसेट बनाता, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है ही नहीं, ये तो 150 रुपीज अभी फॉर द टाइमिंग मैंने वेंडर को पे की हैं, बट जैसे ही मुझे इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट या सेनवेट क्रेडिट या वट एवर द केस इज मिल जाएगा, मैं अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से इसको एडजस्ट कर दूंगा। ये एक फायदा देने वाली चीज है, इसको मैं कभी भी खर्चा नहीं मानूंगा। मैं खर्चा किसको मानूंगा? हमेशा 1000 को। तो मेरी कॉस्टिंग कितनी हो गई? 1000 रुपीज, ना कि 1150, क्योंकि 150 रुपीज का मुझे क्रेडिट मिल गया है। इसको बोल, ये चीज बोली गई है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपको पता है हमारे देश में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 कहता है, कोई भी इनपुट टैक्स, जब भी आप कुछ खरीदते हो, कोई भी इनपुट टैक्स जिसका क्रेडिट मिल जाए उसको कॉस्ट में मत जोड़ो, और अगर उसका क्रेडिट नहीं मिलता तो उसे कॉस्ट में जोड़ो। ये कहां लिखी है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4। और ये लॉजिकल भी, अगर ध्यान से देखो, 150 का जब मैं आपको क्रेडिट दे रहा हूं तो देयर इज नो लॉजिक यू शुड एड इट टू द कॉस्ट, यू शुड
treat it as a current asset and you should not add it to the cost. On the other hand, iska credit agar main na doon to cost mein judega. Ab nuksan kya hoga? Nuksan ye hoga ki 1000 rupees aapki cost pad rahi thi. Jaisi maine credit deny kiya, ab aapki cost kitni ho gayi? 1150. Kya aapki cost pad gayi? Yes. Acha, ab ek aur cheez samajhne ke liye, agar meri 1000 rupees cost thi to I am assuming main apna sale price kitna rakhta tha? Let us assume 1500 rupees. 500 rupees ka main profit margin jodta tha. 500 was my profit margin. Ab main is example ko khatam kar chuka hu. Main ek all alert discussion mein pahunch chuka hu ki agar credit deny ho jaye to kya hota hai. 1000 rupees ka kuch kharida, us pe 150 ke taxes pay kare aur maine usko sale kitna kar diya, 1500 rupees ka profit kamaya 500 rupees ka. Ye tab hai jab mere ko credit mil raha hai. अगर इसी चीज का क्रेडिट डिनाय हो जाएगा तो मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1150. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 बोलेगा आपको इस इनपुट टैक्स का कोई आईटीसी नहीं मिल रहा, आपकी जेब से 1150 रुपीस गए हैं, तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी? 1150. अब मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 1650. पहली चीज देखो, जब जब आपको किसी टैक्स का क्रेडिट नहीं मिला, क्या वो आपकी कॉस्ट में जुड़ गया? बिल्कुल जुड़ गया. और जब वो आपकी कॉस्ट में जुड़ गया तो क्या आपके सेल प्राइस में भी जुड़ गया? यस, क्योंकि जो चीजें कॉस्ट में जुड़ती हैं वो ऑटोमेटिकली सेल प्राइस में आती हैं. अगर आपने प्रॉफिट कांस्टेंट रखना है, या तो अपने प्रॉफिट को कम करके 350 रुपए कर दो, वो कोई करता नहीं है, प्रॉफिट तो भाई कमाना है. तो आप क्या, जब आपकी मैं कॉस्ट बढ़ाऊंगा तो सेल प्राइस बढ़ जाएगा? यस. यानी एक चीज याद रखना, जब जब किसी पर्सन को आईटीसी या सेनवेट क्रेडिट डिनाय होता है तब तब उसकी कॉस्ट बढ़ती है, और उसकी कॉस्ट बढ़ने से उसका प्रॉफिट कम होता है, जो कि वो होने नहीं देता, जिस वजह से वो अपने सेल प्राइस को क्या करता है, लॉन्ग टर्म में हमेशा सेल प्राइस को बढ़ा देता है. शॉर्ट टर्म में शायद प्रॉफिट पे हिट ले ले, लॉन्ग टर्म में क्या करेगा, अपने प्राइस को 1650 कर देगा. अब यहां पर ध्यान से देखो, 150 रुपए की इन्फ्लेशन होगी मार्केट में. सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम हमारा वीक है. और वीक क्या है, ट्रेडर को वैट का क्रेडिट तो मिल जाता है, बट ट्रेडर को एक्साइज और सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिल रहा. और जिस चीज का क्रेडिट नहीं मिलता वो कॉस्ट में जुड़ जाता है, कॉस्ट में जुड़ने के बाद वो कहां चला जाता है? सेलिंग प्राइस में. अच्छा, यहां सिर्फ प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, इतनी प्रॉब्लम भी होती तो भी बात मान जाते हैं. प्रॉब्लम डबल आ गई. प्रॉब्लम डबल क्या आ गई, आपने जब 1000 रुपए का सामान खरीद के 1500 का बेचा तो इसके ऊपर आउटपुट टैक्स लगा होगा 150 रुपए का. 15% एज्यूम कर रहा हूं ना मैं, तो 175 का, 15 सा 175, ठीक है, 175 रुपीस का आउटपुट टैक्स लगा होगा. बिल्कुल लगा होगा. अब 175 रुपीस का आउटपुट टैक्स लगाया है, तो अगर इसका क्रेडिट मिल जाता तो 175 माइनस 150 करता, काम खत्म हो जाता. बट अब क्योंकि इस 150 का क्रेडिट डिनाय हो गया है, अब मुझे, मैंने सेल प्राइस कितना कर लिया, 1650, और जरा 1650 का करके देखते हैं. 1650 का 15% कितना बनता है, इट बिकम्स 247.50. मुझे एक बात बताओ, आउटपुट टैक्स 175 से 247 हो गया कैसे? 72.5 रुपीस एक्स्ट्रा आ गए. ये 72.5% क्या है, इट इज 15%, सॉरी कुछ गलत हुआ है, ये 225 होगा, दिस इज 225. आउटपुट टैक्स 225 बनता अगर मुझे क्रेडिट मिल जाता तो. मुझे क्रेडिट नहीं मिला, जिस वजह से ये कॉस्ट में जुड़ गया, ये कॉस्ट में जुड़ गया तो ये सेल प्राइस में जुड़ गया. सेल प्राइस जो 1500 रुपए था वो 1650 का हो गया. 150 रुपए की इन्फ्लेशन तो डायरेक्टली आ गई. मैं कह रहा हूं इन्फ्लेशन डबल हो जाएगी, 150 नहीं हुई, अब 15 अल्टीमेट कंज्यूमर को 1500 रुपए प्लस 225 रुपए का सामान मिल रहा था, अब उसको कितने का मिलेगा? 1650 प्लस 247.50, इंक्रीज कितने का आ गया, टैक्सेस के अंदर 22.5 रुपीस का इंक्रीज आ गया. 22.5 रुपए टैक्सेस बढ़ गए. कैसे बढ़ गए? ये 22.5 रुपए इज नथिंग बट 15% ऑफ 150 रुपीस. मतलब क्या हुआ इसका, फिर से समझाता हूं. जब जब आपको आईटीसी नहीं मिलता तब तब आप उसे कॉस्ट में जोड़ते हो, कॉस्ट वाली चीज को सेल प्राइस में जोड़ते हो, तो सेल प्राइस सीधा बढ़ जाता है 150 रुपए से, जितना का आईटीसी आपने खोया. बट क्योंकि आपके सेल के ऊपर आउटपुट टैक्स भी लगता है, तो पहले आउटपुट टैक्स 15% लग रहा था 1500 रुपए पे,
अब कितने लग रहा है 1650, इस 1650 के दो हिस्से कर देता हूं, क्या इसमें 1500 रुपए छुपा है? यस। क्या इसमें 150 रुपए भी छुपा हुआ है? यस। अब ये जो 15% है ये 1500 पे भी लग रहा है विच इज 225, और ये 15% 150 पे भी लग रहा है विच इज 22.5। अकॉर्डिंगली आंसर कितना आ रहा है 247.50। ये 22.5 रुपए एक्स्ट्रा कौन से हैं? दिस इज 15% ऑफ 150 रुपए। और ये 150 रुपए क्या है? ये 150 रुपए वो इनपुट टैक्स है जो मुझे मिला नहीं क्रेडिट, और क्योंकि वो क्रेडिट नहीं मिला वो छुपते छुपते किस में आ गया? सेल प्राइस में। यानी एक क्रक्स निकला, दिस इज नथिंग बट टैक्स ऑन टैक्स। क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है? यस। डायरेक्टली नहीं हो रहा, इनडायरेक्टली हो रहा है। इनडायरेक्टली कैसे हो रहा है? मेरे सेल प्राइस में इनपुट टैक्स छुप के बैठा है, और इनपुट टैक्स छुप के क्यों बैठा है? क्योंकि उसका क्रेडिट नहीं मिला। जब जब किसी इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता वो सेल प्राइस में ऐड हो जाता है, और सेल प्राइस में ऐड होने के बाद उस पे आउटपुट टैक्स लगता है। सो देयर इज ऑलवेज अ टैक्स ऑन टैक्स, दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट वॉज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ प्रीवियस रिजीम। 1 जुलाई 2017 से पहले जब जब आपको किसी चीज का क्रेडिट डिनाई होता था, आपने याद रखना है, तब तब उस चीज को कॉस्ट में जोड़ते थे, कॉस्ट में जोड़ने के बाद सेल प्राइस में जोड़ते थे, और सेल प्राइस पे जब आउटपुट टैक्स लगता था तो टैक्स ऑन टैक्स होता था, जिस वजह से ना सिर्फ सेल प्राइस बढ़ रहा है आउटपुट टैक्स भी बढ़ रहा है, यानी इन्फ्लेशन डबल बढ़ रही है। इनपुट टैक्स भी सेल प्राइस को बढ़ा रहा है, और जब आउटपुट टैक्स टैक्स ऑन टैक्स लगा तो वो भी इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा है, इन्फ्लेशन डबल बढ़ रही है, इसीलिए बहुत दिक्कत थी। और सर हम आईटीसी डिनाई क्यों कर रहे हैं? पहला केस तो मैंने आपको बता दिया, आईटीसी डिनाई कब हो रहा है? जब आप एक ट्रेडर हो, आप सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट से डील करते हो, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस का क्रेडिट नहीं मिलता। अच्छा, दूसरा केस और हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है? आप ट्रेडर नहीं हो, आप कौन बन गए हो? आप सर्विस प्रोवाइडर हो। मैं एक सीए हूं, मैं अपनी सर आउटपुट में क्या देता हूं? सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज देता हूं। सर्विसेज देता हूं तो मैं क्या पे करता हूं? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। क्या मेरा कुछ भी लेना देना है स्टेट गवर्नमेंट से? नहीं। स्टेट गवर्नमेंट को तो सर्विसेज के ऊपर बिल्कुल राइट ही नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट को तो सिर्फ किस पे था? इंट्रा स्टेट सेल पे था। अच्छा, अब पीछे से मैं क्या खरीदता हूं? पीछे से मैंने गुड्स भी खरीदे होंगे, पीछे से मैंने सर्विसेज भी खरीदी होंगी। गुड्स के ऊपर एक्साइज भी लगा होगा, वैट भी लगा होगा, सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स भी लगा होगा। जल्दी से मुझे बताते जाओ, जो किस किस चीज का क्रेडिट मिलेगा? क्या एक्साइज का क्रेडिट मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि आपकी आउटपुट में सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, एक्साइज भी सेंट्रल गवर्नमेंट को गया था, इसका क्रेडिट मिल जाएगा। सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। बट क्या वैट का क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। वैट का क्रेडिट कभी भी नहीं मिलेगा। सो देखा जाए तो तीन तरह के प्लेयर्स होते हैं मार्केट के अंदर। कौन कौन से? ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर। मैन्युफैक्चरर को कोई टेंशन नहीं थी। लास्ट पेज पे जब मैंने बात करी थी मैन्युफैक्चरर को, उसको कोई दिक्कत इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैन्युफैक्चरर जब सेल करता है वो एक्साइज भी पे करता है, वो वैट भी पे करता है, और पीछे से जब उस पर एक्साइज, वैट और सर्विस टैक्स तीनों लगते हैं तो उसको तीनों चीजों का क्रेडिट मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? एक्साइज और वैट का क्रेडिट मिल जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, राइट? और इस वैट का क्रेडिट वैट से मिल जाता है, तो उसको टैक्स कैस्केडिंग नहीं होती क्योंकि उसको तीनों चीजों का आईटीसी मिल रहा है। तीनों चीजों का आईटीसी मिल रहा है तो वो तीनों में से किसी को भी कॉस्ट में नहीं जोड़ेगा। बट सर्विस प्रोवाइडर को टेंशन होती थी, सर्विस प्रोवाइडर को वैट का क्रेडिट नहीं मिलता था। क्रेडिट ब्लॉकेज नंबर वन। ट्रेडर को यह दिक्कत होती थी कि उसको वैट का क्रेडिट मिलता था, उसको एक्साइज और सर्विस टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। क्रेडिट ब्लॉकेज नंबर टू। और अभी अभी हमने समझा, जब जब क्रेडिट ब्लॉकेज होती है तब तब क्या होता है? टैक्स कैस्केडिंग, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 बोलता है एनी इनपुट टैक्सेस हुज क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल नीड्स टू बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। क्लियर है? परफेक्ट। चलो, ये तो हमें समझ ली टैक्स कैस्केडिंग होता है। हमें एक चीज समझ आ गई, आईटीसी नहीं मिलेगा तो टैक्स कैस्केडिंग होगी। और हमारे देश में टैक्स कैस्केडिंग होती क्यों होती? क्योंकि आईटीसी डिनाय होता था। ये हमने पढ़ा इलस्ट्रेशन नंबर 2 से। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की। इलस्ट्रेशन नंबर 3, बुक में सिर्फ इलस्ट्रेशन नंबर 3 लिखी है आपने। इलस्ट्रेशन नंबर 3 के अंदर क्या आएगा? अभी हमने पहली स्टेशन देखी सिर्फ इंट्रास्टेट, दूसरी में सेंट्रल टैक्सेस भी डाल दिया। सेंट्रल टैक्सेस के आने की वजह से हमने टैक्स कैस्केडिंग कैसे होगी वो भी डिस्कस कर लिया। थर्ड है
इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। अब एक बार समझना है इंटर ट्रेड इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सिंपल एग्जांपल अगेन लेता हूं, ये है बीच में एक पर्सन, ये हमारा बैठा है हरियाणा में, पीछे से गुड्स आए, वो भी कहां से आए, हरियाणा से आए, गुड्स आए हरियाणा से 10,000 रुपीज के, 10,000 के ऊपर वैट लगा हुआ है 10% के हिसाब से, लेट से 1,000 रुपीज, टोटल कितना हो गया 11,000 रुपीज। सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं अगेन मैं, यहां से गुड्स चले गए किसको, दिल्ली में, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी, ये है मिस्टर सी, ठीक है जी। अब अगेन इसने किसके बेचे, ये 20% का प्रॉफिट मार्जिन जोड़ता है, इसने 12,000 के बेच दिए, अब हरियाणा टू दिल्ली जा रहा है, यहां पे क्या लगेगा सीएसटी, सीएसटी कितना लग जाएगा 1200 रुपए, दिस बिकम्स 13,200 रुपए। एक एक करके बात करते हैं, पहले बात करते हैं मिस्टर बी की, मिस्टर बी के लिए आउटपुट वैट है या आउटपुट सीएसटी है, आउटपुट वैट है, आउटपुट वैट कितना है 1000 रुपीज। अच्छा मिस्टर ए का एज्यूम करता हूं, पीछे से मिस्टर बी ए ने किससे परचेज किया है, मिस्टर पी से, ये भी कहां पर है हरियाणा में, कितने का परचेज किया है इसने, लेट से 8,000 का परचेज किया जिसपे 800 रुपए टैक्स पे किया है। मिस्टर बी के लिए मुझे बताओ, सॉरी मिस्टर ए के लिए मुझे बताओ, आउटपुट वैट 1000 रुपीज लेस आईटीसी कितना 800 रुपए। आईटीसी क्यों दे दिया हरियाणा गवर्नमेंट ने, क्योंकि आउटपुट में भी वैट जा रहा है, इनपुट में भी क्या आ रहा है, वैट आ रहा है। ये भी किसको मिला है, हरियाणा गवर्नमेंट को, ये भी किसका है, हरियाणा गवर्नमेंट का। तो हरियाणा क्या कहेगी, 800 आ चुका है 200 और दे दो, बिल्कुल सिंपल, सेम इलस्ट्रेशन नंबर वन जैसे। अब दिमाग लगाना शुरू करना है, मिस्टर बी के लिए आउटपुट क्या है, सीएसटी 1200 रुपए लेस, क्या हमें 1000 रुपीज का क्रेडिट हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट देगी या नहीं देगी। अभी तक बहुत सिंपल चल रहा था, आउटपुट में भी वैट होता था, इनपुट में भी वैट होता था। अब अगला सवाल आया, दिमाग दौड़ाओ थोड़ा, फंडामेंटल प्रिंसिपल मैंने एक ही बार बता दिया, फंडामेंटल प्रिंसिपल फिर से रिपीट करता हूं, एवरी गवर्नमेंट गिव्स इनपुट टैक्सेस ऑफ ओनली दोज टैक्सेस, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ ओनली दोज टैक्सेस व्हिच एट द अर्लियर स्टेज वर कलेक्टेड बाय इट। क्या ये 1200 रुपए हरियाणा गवर्नमेंट के हैं, क्या ये 1200 रुपए हरियाणा गवर्नमेंट के हैं, लेवी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है बट अल्टीमेटली तो हरियाणा गवर्नमेंट के पास आएंगे, ये 1200 रुपए हरियाणा गवर्नमेंट के हैं, यस ओरिजिन स्टेट के पास है, ओरिजिन स्टेट ये हो गई, डेस्टिनेशन स्टेट ये हो गई, 1200 रुपए इसका टैक्स है, क्या पुराने लेवल पे जो वैट आया था वो भी इसका है, यस। तो क्या हरियाणा गवर्नमेंट वैट का क्रेडिट सीएसटी से दे देगी, दे देगी, क्यों, क्योंकि पुरानी स्टेज पे ये वैट भी किसका है, हरियाणा गवर्नमेंट का, और ये अगली स्टेज पे जो सीएसटी है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीएसटी एक्ट में लगाया है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया हुआ ये किसको मिल जाएगा, हरियाणा गवर्नमेंट को। तो आउटपुट भी तुम्हारा, इनपुट भी तुम्हारा, क्या हरियाणा गवर्नमेंट क्रेडिट दे देगी, यस। क्या कोई टैक्स कैस्केडिंग हुई, नहीं हुई, यहां पर भी टैक्स कैस्केडिंग नहीं हुई, यहां पर भी नहीं हुई, क्योंकि अभी तक सारा कुछ कहां चल रहा है, यहां से लेकर यहां तक हरियाणा ही चल रहा है, यहां तो हरियाणा टू हरियाणा ही चल रहा था, यहां भी हरियाणा टू हरियाणा चल रहा था, बट यहां पे जब सीएसटी आया हमने कहा ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम के वजह से यहां पर लग जाएगा ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम, इस वजह से ये सारा टैक्स किसको मिलने वाला है, हरियाणा को मिलने वाला है, तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं मिस्टर सी की, मिस्टर सी ने इन गुड्स का क्या किया, मिस्टर सी ने आगे बेच दिया मिस्टर डी को जो कि दिल्ली के अंदर ही है, और कितने का बेच दिया, 14,400 रुपए का, 14,400 जिसके ऊपर फिर से वैट लग गया 1440, ठीक है जी 1440। अब मुझे बताओ सारी चीजें मिस्टर सी के हिसाब से, मिस्टर सी के आउटपुट में क्या है, आउटपुट में है वैट। अच्छा वैट तो है कौन सा वैट, हरियाणा वैट या दिल्ली वैट, हरियाणा वैट या दिल्ली वैट, दिल्ली वैट, क्योंकि मिस्टर सी भी दिल्ली में है, मिस्टर डी भी दिल्ली में है। अब तो कौन सा इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई दिल्ली की, आउटपुट वैट कौन सा होगा, दिल्ली वैट होगा ये, दिस इज कॉल्ड डी वैट, दिल्ली वैट, ये दिल्ली वैट हो जाएगा 1440 आउटपुट टैक्स हो गया। अब मुझे सोच के बताओ पीछे लेवल पे मैंने क्या पे किया, सीएसटी 1200 रुपए का, क्या दिल्ली गवर्नमेंट 1200 रुपए के सीएसटी का क्रेडिट देगी या नहीं देगी, क्या 1200 रुपए का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल, दिल्ली गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं चीजों का क्रेडिट देती है जो पिछली स्टेज पे दिल्ली गवर्नमेंट को मिली हो। मुझे जल्दी से बताओ 1200 रुपए दिल्ली को मिले थे या हरियाणा को मिले थे, हरियाणा को मिले थे।
तो क्या सीएसटी का क्रेडिट मिलेगा? द आंसर इज नो, इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। और मुझे दिल्ली गवर्नमेंट को क्या पे करना पड़ेगा? 1440 पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा। आई विल नॉट गेट आईटीसी ऑफ सीएसटी। मुझे वैट का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है बट मुझे सीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। और क्यों नहीं मिलता? सिंपल सा लॉजिक है, सीएसटी आप ओरिजिन वाली स्टेट को दे के आए होते हो, आप मांगते क्रेडिट डेस्टिनेशन से हो, तो डेस्टिनेशन स्टेट सीधा बोलती है जब मुझे वो टैक्स मिला ही नहीं तो मैं तुम्हें क्रेडिट क्यों दूं। और क्रेडिट नहीं मिलेगा तो मुझे जल्दी से बताओ क्या होगा? क्रेडिट नहीं मिलेगा तो मेरी कॉस्टिंग कितनी थी? 12,000 प्लस 1200 रुपए। अगर मुझे इसका क्रेडिट मिल जाता तो मैं बोलता मेरी कॉस्ट 12,000 है, बट क्योंकि मुझे 12,000 के सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिला, अब मेरी कॉस्ट कितनी बन जाएगी? 13,200 रुपए। क्या मेरा प्रॉफिट मार्जिन गिर गया? यस। या तो प्रॉफिट मार्जिन गिरा लो या अपने सेल प्राइस को बढ़ा लो। फिर मैं 1400 की जगह 400 की जगह सेल प्राइस को और बढ़ाऊंगा। सेल प्राइस बढ़ेगा तो मेरा आउटपुट टैक्स भी बढ़ेगा और क्या हो जाएगा? टैक्स ऑन टैक्स, विच इज नथिंग बट टैक्स कैस्केडिंग, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। सो अभी तक हमने टैक्स कैस्केडिंग कौन कौन सी तरह की पढ़ी थी? पहली हमने पढ़ी थी ट्रेडर के लिए। ट्रेडर क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से डील करता है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस का क्रेडिट नहीं मिलता, टैक्स कैस्केडिंग नंबर वन। दूसरी, सर्विस प्रोवाइडर क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करता है, उसको वैट का क्रेडिट नहीं मिलता। और आखिरी, सीएसटी का क्रेडिट तो किसी को भी नहीं मिलता, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे ट्रेडर हो, किसी को भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? वहां तो प्रॉब्लम आ गई ना, दो स्टेट्स आ गई। डेस्टिनेशन स्टेट ओरिजिन स्टेट को पे किए गए सीएसटी का क्रेडिट कभी देगी ही नहीं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, क्योंकि ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम कहता है पैसा जाएगा हरियाणा को तो दिल्ली गएगी, जब पैसा हरियाणा को जाएगा तो मैं इस 1200 का क्रेडिट क्यों दूं। दैट इज वाई हमारे देश में ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम से प्रॉब्लम यह आती है कि आप जब भी इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन करते हो, इट इज लेस बेनिफिशियल एज कंपेयर टू इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन। फिर से बोलता हूं, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन इज लेस बेनिफिशियल एज कंपेयर टू इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन, क्योंकि वेन यू डू इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन हरियाणा टू हरियाणा, आपको पिछली स्टेज का जो वैट पे है उसका क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है जी। बट वेन यू डू एन इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन, जो ये सीएसटी है, इसका क्रेडिट नहीं मिलता, और क्रेडिट नहीं मिलता तो सारी क्या बन जाती है? कॉस्ट। आप हमेशा क्या करना पसंद करोगे? इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन करना पसंद करोगे, कभी भी इंटरस्टेट खरीदोगे नहीं। यानी कहने को हम अगेन एक कंट्री है, बट क्या हम 31 अलग अलग कंट्रीज बन गए छोटी छोटी? यस, क्योंकि आपस में जैसी ट्रेड होगी, ट्रेड करना बेनिफिशियल ही नहीं है, और ट्रेड करना बेनिफिशियल नहीं है तो आप हर कोई अपनी अपनी स्टेट में ट्रेड करेगा, फिर इंडिया के अंदर ही अगर इंटरस्टेट ट्रेड नहीं होगी तो इंडिया वन नेशन कैसे बना? आपने सुना होगा जीएसटी के बारे में हम बोलते हैं, जीएसटी हैज लेड टू वन नेशन वन टैक्स, ऐसा बोलते हैं ना। अगली क्लास में समझाऊंगा क्यों बोलते हैं, बट सोच के देखो, क्या पहले हम एक नेशन नहीं थे? इंडिया तो हम एक ही थे, बट इस रीजन की वजह से टैक्सेशन सिस्टम में हम एक नेशन नहीं थे, हम 31 अलग अलग देश थे, क्योंकि जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जाता था सीएसटी लग जाता था, ओरिजिन स्टेट सीएसटी रख के खुश हो जाती थी बट डेस्टिनेशन स्टेट क्रेडिट नहीं देती थी, इन द एंड टैक्स पेयर बोलता था मैंने इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन करनी नहीं है, क्योंकि मैं इंट्रास्टेट करूं तो मैं वैट पे करता हूं मुझे क्रेडिट मिल जाता है, मैं इंटरस्टेट करूं तो मैं सीएसटी पे करता हूं मुझे क्रेडिट नहीं मिलता। सीएसटी वॉज द डेमन, इट वॉज द बिगेस्ट रीजन वाई जीएसटी वॉज ब्रॉट इन। सीएसटी हैज लेड टू जीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स हैज लेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बिकॉज सीएसटी वॉज द वर्स्ट काइंड ऑफ टैक्स। दिस काइंड ऑफ टैक्स बेनिफिटेड द ओरिजिन स्टेट बट इट वॉज अगेंस्ट टैक्स पेयर्स, टैक्स पेयर्स को इसका क्रेडिट नहीं मिलता था और कॉस्टिंग बढ़ जाती थी। और इमेजिन कितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, इनके गुड्स क्या एक जगह मैन्युफैक्चर होते हैं? नहीं। इनकी तो सॉरी इनकी जगह क्या हर स्टेट में मैन्युफैक्चर होते हैं? नहीं। इनकी फैक्ट्रीज होती हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, पूरे देश की मैन्युफैक्चरिंग वहां कर ली इन्होंने। या अभी आपने रिसेंटली न्यूज सुनी होगी, सैमसंग ने नोएडा के अंदर सबसे बड़ी वर्ल्ड की मोबाइल फैक्ट्री खोली है, अब वो पूरी इंडिया के लिए नोएडा में बैठ के बना रहा है, अब नोएडा से इंटरस्टेट सेल करेगा, फिर आगे जाके डीलर्स बेचेंगे, किसी को और बेचेंगे। जब आप इंटरस्टेट सेल करोगे, सीएसटी पहले लेग पे क्या हो जाएगा? डिनाई हो जाएगा, और वो हर लेग पे सेल प्राइस में ऐड होता जाएगा, और आउटपुट टैक्स पे आउटपुट टैक्स लगता जाएगा, टैक्स कैस्केडिंग होती जाएगी, ठीक है जी। तो सीएसटी का ग्रेड नहीं मिलता था हमें। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान से सोचनी है,
वो ये सोचनी है कि अगर, अच्छा यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, वैट का क्रेडिट आपको मिल जाता है सीएसटी से, इनपुट में वैट है आउटपुट में सीएसटी है तो चलेगा, क्योंकि मेरे इनपुट में वैट है हरियाणा गवर्नमेंट को गया, आउटपुट में सीएसटी है वो भी हरियाणा गवर्नमेंट को दिया, सो वैट का क्रेडिट सीएसटी से मिल जाता था, बट सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता। अगर आपके इनपुट साइड में सीएसटी आ गया तो दिल्ली गवर्नमेंट आपको सीएसटी का क्रेडिट नहीं देगी, विच मींस वैट का क्रेडिट हमेशा मिलेगा, फिर चाहे उसको आउटपुट में वैट से एडजस्ट करो या आउटपुट में सीएसटी से एडजस्ट करो। मिस्टर ए ने आउटपुट वैट को आईटीसी ऑफ वैट से एडजस्ट किया है, मिस्टर बी ने आउटपुट सीएसटी को एडजस्ट किया है आईटीसी ऑफ वैट से, बट दोनों केसेस में आईटीसी किसका मिला है, वैट का मिला है। मिस्टर सी के लिए इनपुट टैक्स क्या है, सीएसटी, सीएसटी का कभी इनपुट टैक्स नहीं मिला। ठीक है जी, यहां तक चल सकते हैं आगे। तो हमें एक चीज पता लग गई, टैक्स कैस्केडिंग। टैक्स कैस्केडिंग ये होती है, यहां पे पहले लिख लेते हैं जितना अभी तक हमने डिस्कस किया, एक बार उसको बुक में लिख लेते हैं यहां तक। हाँ जी, पेज नंबर 2 पे आओ जल्दी से, थोड़ा सा जूम आउट करो। ठीक है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, कंक्लूजन बेस्ड ऑन एग्जांपल थे, तीन इलस्ट्रेशन के इलस्ट्रेशन कर लिए हमने, तीन इलस्ट्रेशन की तीन कंक्लूजन लिख ली। वैट इज अ मल्टी स्टेज टैक्स, यहां लिखते हैं एवरी गवर्नमेंट पेज टैक्स, सॉरी गिव्स क्रेडिट ऑफ ओनली दोज टैक्सेस, ऑफ ओनली दोज टैक्सेस दैट वर collected by it at earlier stage. Central government will not give SenVAT credit of any of input VAT. Similarly, state government will not give ITC of excise duty and service tax. This is our conclusion. फिर लिखते हैं types of tax cascading. सबसे पहले सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर के लिए आउटपुट में सर्विस टैक्स, इनपुट में एक्साइज ड्यूटी एंड वैट ऑन गुड्स एंड ऑन सर्विसेज सर्विस टैक्स। आउटपुट में क्या गई उसकी, सर्विसेज। यहां पे क्रेडिट लिख लेते हैं, एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा, वैट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो दिस इज द प्रॉब्लम एरिया, this is the problem area. Next example, trader ka, service tax, then sorry trader goods bechta hai, ye kya pay karta hai, VAT pay karta hai, piche se kya aaya, goods aayi aur services aaye, goods ke upar excise duty aur VAT, इसके ऊपर सर्विस टैक्स। उसको वैट से वैट का क्रेडिट मिल जाएगा बट एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, सर्विस टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। दिस इज टैक्स कैस्केडिंग नंबर 2। ठीक है जी, चलें आगे। चलो थर्ड मैन्युफैक्चरर के लिए अगर हम बात करें, मैन्युफैक्चरर के लिए बात करें, गुड्स देता है, गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, सर्विस टैक्स लगता है, पीछे से क्या आता है, सर्विस टैक्स, सॉरी सर्विसेज, एक्साइज ड्यूटी लगी, वैट लगा, सर्विस टैक्स लगा। एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट मिल जाएगा एक्साइज ड्यूटी से, सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा सर्विस टैक्स से, वैट का क्रेडिट मिल जाएगा, सब कुछ। यानी नो टैक्स कैस्केडिंग ड्यू टू डिनायल ऑफ आईटीसी
for a manufacturer. For a manufacturer, there was no such denial. Manufacturer enjoy karta hai. Theek hai ji? Last thing. CST always led to tax cascading. Kaise? Haryana to Haryana to Delhi to Delhi. Theek hai ji? Yahan pe lagega VAT, yahan pe lagega CST, yahan pe lagega VAT. क्या इस VAT का ग्रेड मिल जाएगा? ITC allowed. क्या इस CST का ग्रेड मिल जाएगा? ITC denied. ITC denied. मैं लिखो, Delhi government would never allow ITC of CST because CST was earlier collected by Haryana government. It was earlier collected by Haryana government. Aga question hai, what happens if the credit of tax paid on purchase is not allowed? Or explain what is tax cascading. Tax cascading if samjhana hai. Humne padh liya cost accounting standard number 4 ki baat. Ek simple illustration le lete hain. Illustration. Illustration kya hai hamara? Profit percentage hamara hoga profit 12,000 rupay. Sorry, profit hamesha main kitna rakhna chahta hun? 2,000 rupay. So pehla case, case 1, case 2. Case 1 kya hai? ITC allowed. Case 2 kya hai? ITC not allowed. Purchase price dekhte hain pehle to. Purchase price 10,000 rupees. Uske upar VAT 1,000 rupees. ठीक है जी, this is invoice value 11,000. अब मुझे ये बताओ profit margin किस में जोडूं, 10,000 में जोडूं या invoice में जोडूं? Sale price मेरा हो जाएगा इस केस के अंदर 10,000 plus 2,000. क्यों? क्योंकि जो 1,000 का VAT है, it will not form part of cost. मेरा sale price कितना हो जाएगा? 12,000. जबकि यहाँ पर लिखूं purchase price मेरा again 10,000 है. VAT यहाँ पर VAT बोलो या CST, जब जब मेरे को ITC नहीं मिलेगा, 1,000 रुपीस और invoice value same है, दोनों जगह invoice बिल्कुल same मिला है, फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे मैं assume कर रहा हूँ ITC मिल गया है, यहाँ पे मैं assume कर रहा हूँ ITC नहीं मिला, ITC नहीं मिला, तो मैं sale price कितना fix करूँगा? 11,000 plus 2,000, यानी मेरा पहला impact कहाँ पर आ गया? 12,000 का sale price की जगह क्या आ गया? Sale price 13,000 का. अब आगे चेक करते हैं. प्लस आउटपुट VAT 10% के हिसाब से 1200 रुपए, और यहां पर लगाते हैं आउटपुट VAT 10% के हिसाब से 1300 रुपए. ये कितना बन गया? 13200. ये कितना बन गया? 14300. जरा अगर आप ध्यान से देखो 1200 और 1300 में डिफरेंस कितने का है? This difference is of rupees 100. यहाँ लिख लो, this extra rupees 100 is 10% charged on rupees 1000. Is 10% charged on rupees 1000. कौन से 1000? ये वाले 1000 जिनका ITC नहीं मिला. Sorry, यहाँ तो मिल गया था, यहाँ नहीं मिला. Basically it is tax charged on tax. इसका दूसरा नाम क्या है? Cascading effect. This is an example of cascading effect. ठीक है?
सो आज हमारी क्लास में हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में अभी हमें क्या करना है, जितना भी अभी हमने पढ़ा एक बार रिवाइज करके आना है. इसकी थ्योरी आगे बुक में दे रखी है, जल्दी से वो थ्योरी से रिलेट करेंगे सारा कुछ. एक बार बुक से रीड करके आना सारा कुछ, पेज नंबर 4 पेज नंबर 5 रीड करके आना. नेक्स्ट क्लास में हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे, जीएसटी में कैसे चेंजेस आए वो सब डिटेल में डिस्कस करना है. और नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक हमारा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का. सो अगली दो क्लास हम डेडिकेटेड जीएसटी को देंगे और बेसिक जीएसटी को, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी. और फोर्थ क्लास से हमारा जीएसटी स्टार्ट होगा, जीएसटी का मेन जो सिलेबस है वो फोर्थ क्लास से स्टार्ट होगा. पहले हमने फर्स्ट क्लास में आज कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग ली. सेकेंड में हम क्या लेंगे, डेफिशिएंसीज ऑफ पुरानी रिजीम एज कंपेयर टू जीएसटी में वो डेफिशिएंसीज कैसे इंप्रूव हुई. थर्ड क्लास के अंदर हम बातें करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट क्यों करनी पड़े एंड सो ऑन. और चैप्टर क्लास नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी एक्ट, कि जीएसटी एक्ट कैसे ड्राफ्टेड है. ठीक है, चलो ओके.